राजधानी से सटे पटना सिटी में लगातार इन दिनों चोरी का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के जीतू लाल लेन का है, जहां चोरों ने घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर लगभग 10,000 रुपए लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं समाज सेवी रामजी योगेश ने बताया कि मेरे पैतृक घर में एक पेटी का ताला तोड़कर नगद रुपए समेत कीमती कपड़े लेकर फरार हो गया। बताते चले कि इन दिनों इस गली में चोरी की घटना लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रही है। ऐसे में आम लोगों का क्या होगा। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। चोर घुसा हुआ था, क्या बक्सा तोड़ दिया, उसमें से 10,000 रुपया लेके भाग गया। और एक गली में भी चोरी का घटना हुआ, 3-4 जगह हो चुका है। कितना दिन से परेशान कर रहा है चोरी? 4-5 दिन से हो रहा है। पुलिस यहाँ आई? हाँ, पुलिस अभी आई है। जानकारी हुई कि हमारा जो पुश्तैनी घर है, वहाँ पर एक दो आदमी जो है घुस गए थे और कुछ सामान और कुछ पैसा बक्सा तोड़ के, और एक कबूतर रखने वाला है उसको भी तोड़ दिया उसने ताला, उसमें से कुछ सामान और कपड़ा और पैसा लेके भाग गया। तो मेरी माँ जो है हल्ला करने के बाद चोर जो है भागा है, और 2-3 की संख्या में थे वो लोग। तो उसके पहले जो है जीतू लाल लेन गली इसका नाम है, इसमें एक दास जी हैं, उस ठीक सामने हमारे रहते हैं, उनके यहाँ भी 3-4 दिन पहले घटना घटी है और रुपया चोरी हुआ है। उसके ठीक मेरे सामने एक पंकज जी हैं, पंकज के घर में भी जो है कुछ दिन पहले चोरी की घटना हुई। उसके आगे एक मास्टर साहब हैं, उनका भी साइकिल वगैरह सब चोरी हो गया। उन लोगों में से कुछ लोग थाना नहीं भी जा पाए। लगातार जो है हमारे बगल में पड़ोसी हैं कमलेश त्रिपाठी जी, इनके छत पर भी 2 चप्पल जो है मिला है अज्ञात लोगों का। तो इस तरह की घटनाएं लगातार जो है ये जीतू लाल लेन गली में हो रहा है और आसपास इस तरह से। लोग बताते हैं कि 2-3 बजे भोर में इस तरह से लोग जो है इस गली में घूम रहे हैं संदिग्ध लोग, और इस चोरी की घटनाएं जो है अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं तो प्रशासन से ये मांग करूंगा कि आप जो है रात्रि गश्ती में जो गलियां हैं, गली में जो है गश्ती की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सड़क पर गश्ती गाड़ी रहती है और चोरी की घटनाएं गलियों में होती है। पटना सिटी तो गलियों का शहर है, लेकिन जो प्रमुख गलियां अपने थाना क्षेत्र में, चौक थाना क्षेत्र में, उन गलियों में जो है कम से कम 3 बजे भोर तक जो क्विक मोबाइल है, जो हमारी गश्ती गाड़ी है, उसके पदाधिकारी उतर के कम से कम चेक करें। होता क्या है कि जितनी भी गाड़ी पर जो गश्ती गाड़ी पर पदाधिकारी होते हैं वो गाड़ी पर ही बैठे रहते हैं, और चाय की दुकान पर लगा दिए, सिटी स्टेशन पर लगा दिए, वहाँ चाय पी रहे हैं, और संबंधित गलियों में जो चोरी हो डकैती हो उससे कोई लेना देना रहता नहीं। इसका मूल कारण है कि जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि गलियों में भी गश्ती होनी चाहिए, लेकिन जो अफसर हैं उनमें शिथिलता होती है। जो गश्ती पदाधिकारी होते हैं उनमें शिथिलता होती है, वो चाहते नहीं है कि गाड़ी से उतर करके गलियों को भी हम चेक करें। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस पर हमारे वरीय पदाधिकारी भी ध्यान दे और थाना अध्यक्ष भी ध्यान दे कि नहीं, गश्ती गाड़ी गलियों को भी घूम के कम से कम देखे कि उसकी स्थिति क्या है। यह 2 महीना पहले भी जो है मेरे छत पर चप्पल रखा हुआ था, किसका था ये हम नहीं बता सकते हैं। हमको लगा किसी का हो तो आके साथ ले जाएगा, नहीं कोई आया तो उस चप्पल को हम डाल दिए कूड़ादान में, क्या करें। चोरी हुई है? हाँ, बगल में चोरी हुई है, लाखों रुपए का सामान ले गया, मेरे घर के ठीक सामने चोरी हुई है, और आज योगेश भैया के घर पे।